हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो एक्चुअली भाई रिफ्लेक्शन होता किन ऑब्जेक्ट से, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो जहाँ से लाइट टकरा के वापस आ रही हो, ठीक है ना, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं दो टाइप के, तो कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो रिफ्लेक्टिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो बॉडी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी भैया, उसको रिफ्लेक्टिंग बॉडी बोलेंगे, ठीक है ना। द बॉडी विच रिफ्लेक्ट लाइट है ना, वो बॉडी जो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। द बॉडी विच रिफ्लेक्ट लाइट इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग बॉडीज। वो सारी बॉडीज़ जो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं उसको अपन रिफ्लेक्टिंग बॉडी कहते हैं। अब भाई रिफ्लेक्टिंग बॉडीज़ जो हैं ये दो टाइप की होती हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग बॉडीज़ दो टाइप की होती हैं। पहले टाइप की रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो होती है जिसको अपन कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, और दूसरे टाइप की रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो होती है जिसको अपन कहते हैं रफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी और रफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। मैं तुमको एक बात प्रैक्टिकल बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी आज तक बनी नहीं है जो 100% स्मूथ हो, ठीक है ना। नो ऑब्जेक्ट टिल टुडे इज 100% स्मूथ। अपन ना मैक्सिमम स्मूथनेस लेते हैं मिरर से, ठीक है ना, वो मैक्सिमम स्मूथनेस है। 100% स्मूथ वहाँ पर भी नहीं है, ओके। तो मैक्सिमम स्मूथनेस अपन लेते हैं मिरर से। उसके अलावा बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स अपने पास क्या हैं, रफ़ हैं भैया, है ना। रफ़ ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट नहीं होती है, जो अपने ऊपर गिरने वाली बहुत सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें अपन रफ सरफेस कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तेरे को बोलूं तो उसका मतलब ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो उसे रफ सरफेस कहते हैं, ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था रिफ्लेक्टिंग बॉडी वो बॉडी होती है जो लाइट को अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और कुल मिलाकर दो टाइप की रिफ्लेक्टिंग बॉडीज़ होती हैं, एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है और एक रफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर, इन बॉडीज़ के आधार पर दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है ना। रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बॉडीज़, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं तो रिफ्लेक्शन भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। पहले टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले टाइप का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई, जिसको अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले टाइप का रिफ्लेक्शन होगा विच इज़ कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। पहले टाइप का रिफ्लेक्शन होगा जिसको अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन जो होगा जिसको अपन बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। इररेगुलर रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या फिर इसको अपन बोलेंगे क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब दोनों में सिंपल अंतर है यार। देख, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, स्मूथ सरफेस से। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो तेरे कहाँ से होता है भाई, रफ सरफेस से, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रफ सरफेस से। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, रफ सरफेस से होता है। अगर अपन आगे की बात करें इसमें, तो भाई डेफिनेशन से अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन टू डेफिनेशन अगर अपन चलें तो भैया क्या होगा इसमें, है ना। डेफिनेशन टू डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो होती है जो अपन बात करें यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, देख रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक्चुअल बात यह है कि भाई एक तो ये स्मूथ सरफेस से होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वाली सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, ठीक है ना। एक तो ये स्मूथ सरफेस से होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वाली सरफेस होती है स्मूथ ज़्यादातर, ठीक है। मैं यहाँ पर मिरर कंसिडर कर लेता हूँ कि एक मिरर है भाई जिसका नाम है MM- एक मिरर है। अब होता क्या है कि अगर कहीं पर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट या इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आ रहा है ना,
इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये बीम ऑफ लाइट की जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट होगा उसमें सारी रेज की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, डायरेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इज सेम, या ऑल रिफ्लेक्टेड रेज हैव सेम डायरेक्शन। रेज हैव सेम डायरेक्शन, सारी रिफ्लेक्टेड रेज की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, ठीक है ना। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज हैव सेम डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ की अगर अपन बात करें तो भैया दूसरी चीज़ में ये होता है कि ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज की सेम डायरेक्शन होगी, और मैं अगर बोलूँ तो भैया दो इंसिडेंट रेज के बीच में जितनी दूरी है, मान लेते हैं ये डी है, ठीक है, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में भी उतनी ही दूरी होगी। ओके, उतनी ही दूरी होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज विल बी सेम, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज and reflected rays will be same, ठीक है। दो incident rays और reflected rays के बीच की जो distance है वो भी क्या रहेगी, same रहेगी, है ना। तो ये तुम्हारे हो गई कुल मिलाकर के regular reflection की बात। अच्छा, regular reflection कहाँ से होता है, smooth surface से होता है, ठीक है ना, smooth surface से होता है regular reflection। तो भैया कौन कौन सी surface, तो भैया जैसे mirror है, मिरर से तेरे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद आ जाता है जैसे स्टील है, फ्लैट स्टील है ना, तो स्टील से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जितनी भी तेरे फ्लैट और स्मूथ सरफेस होती हैं उन सब से तेरे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। फ्लैट और स्मूथ सरफेस से लगभग रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन अब, जिसमें आता है अपना डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन तो भैया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जिसमें कि तुम्हारे सारे रिफ्लेक्टेड रेज सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। इंसिडेंट रेज तो सारी सेम डायरेक्शन से आ रही हैं, है ना, सारी की सारी इंसिडेंट रेज। जैसे कि ये भाई कोई सरफेस है, ओके, ये भाई कोई सरफेस है। अच्छा, इसको अपन उबड़ खबड़ बना देते हैं, ऐसी जैसे अर्थ की सरफेस होती है ना, ऐसे पहाड़ हैं, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, जंगल हैं, है ना, तो वो एक रफ सरफेस होती है। ओके, तो वहाँ पर तेरे इंसिडेंट रेज तो सारी सन से आ रही है सारी, लेकिन क्या रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन सेम है? कोई रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, कोई रिफ्लेक्टेड रे तेरे इधर जा रही है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, भैया ये आर वन है और ये आर टू है, तो सारे रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिखा मुझे, कि सबसे पहला पॉइंट मुझे ये देखा कि टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस से ये लेती है, मतलब रफ सरफेस पे होती है, ठीक है ना, रफ सरफेस पे होता है तुम्हारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब, रेगुलर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा पैटर्न आना, है ना। रेगुलर का मतलब क्या होगा भाई, ये देखो सीधा सीधा पैटर्न आना रेगुलर। ओके, इरेगुलर का मतलब क्या, सीधा सीधा नहीं आ रहा है ना, सीधा सीधा नहीं आ रहा है, वो इरेगुलर का मतलब हो गया। इरेगुलर का मतलब एक मुंबई जा रहा तो एक दिल्ली जा रहा, वो इरेगुलर हो गया, ठीक है ना। रेगुलर का मतलब क्या, दोनों मुंबई जाएंगे या दोनों दिल्ली जाएंगे, वो रेगुलर हो गया, समझ गए बात को। तो टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि डायरेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट सेम, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट सेम, डायरेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट सेम। हालांकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन सेम रहेगी, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट सेम। तो यार ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीज़ है, ठीक है।
तीसरी बात करते हैं, तो भैया तीसरी बात वही है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसिडेंट रेज विल नॉट बी इक्वल टू, अगर मैं इस इंसिडेंट रे के बीच की डिस्टेंस को D1 मान लूँ और दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच की डिस्टेंस को D2 मान लूँ, तो मुझे साफ साफ पता चलता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसिडेंट रेज विल नॉट बी इक्वल टू, है ना, नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, तो भैया प्रैक्टिकल बात है, है ना, प्रैक्टिकल बात क्या है कि कहाँ से अपने को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो हर प्रैक्टिकल चीज तेरे को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, है ना, एग्जाम्पल बिना दुनिया अधूरी है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यार अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस से तेरे को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जितनी भी रफ सरफेस हैं, है ना, जितनी भी रफ सरफेस है वहाँ से सब तेरे को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा, जितनी भी रफ सरफेस है वहाँ से तेरे को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, हालांकि समझने वाली बात ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को पढ़नी पड़ेगी, वो है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हाउ यू डिटरमाइन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे डिटरमाइन होता है। तो भैया मैं जब छोटा था तो मेरे को एक बात पता थी, बताई गई थी कि जब मैं वाइट लाइट को, वाइट लाइट कौन है, सनलाइट, जब मैं वाइट लाइट को प्रिज्म पे डालता हूँ, ये प्रिज्म है ना, देखा होगा तुमने प्रिज्म, ये प्रिज्म है, वाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म पे डालता हूँ तो वाइट लाइट अपने सात भाई बहनों में डिवाइड हो जाती है, सात भाई बहनें वाइट लाइट पे, ठीक है ना, वाइट लाइट अपने सात भाई बहन में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये सात भाई बहन कौन कौन से, सात भाई बहन में आ जाता है सबसे पहला कलर, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे कुल मिला करके आ जाते हैं तुम्हारे सात कलर, तीन हो गए, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया और ये सात हो गया, सात कलर आ जाते हैं, ठीक है। बाहर निकाल लेते हैं इनको, क्योंकि ये बाहर जाते हैं प्रिज्म से यार, है ना। तो ये सात कलर आते हैं, सात कलर नीचे से गिनना चालू करना है, VIBGYOR, जिसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, ब्लू का मतलब होता है ब्लू, बी का मतलब होगा सॉरी ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। तो कुल मिलाकर के ये सात कलर अपने को देखने को मिलते हैं, यानी कि अपने को साफ साफ पता चलता है कि भाई वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवन कंपोनेंट कलर्स, है ना। वाइट लाइट या सनलाइट बोल दे तू इसको, या वाइट लाइट बोल दे, या नॉर्मली लाइट बोल दे, ठीक है, क्या है ये, ये है कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट या मेड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ ऑफ सेवन कलर्स, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के सात कलर्स की लाइट से ये मिल करके बनी है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, मान ले ये ब्लू कलर था, मान ले ये ब्लू कलर का कपड़ा था कोई भी, ठीक है ना, तेरे दोस्त की शर्ट ब्लू कलर की है, तेरे को कैसे पता चलता है कि वो ब्लू कलर की है, सीधी सीधी सिंपल सिंपल गणित है यार इसमें, है ना, कि भाई क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो आ रही है ऐसे, वो तो सेवन कंपोनेंट कलर्स हैं, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो सेवन कंपोनेंट कलर्स हैं, ठीक है ना। तो सेवन कंपोनेंट कलर में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सिमिलर वेवलेंथ वाली लाइट को, अपने सिमिलर वेवलेंथ वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सिमिलर वेवलेंथ वाली लाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का, है ना, तो एनी कलर ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि भाई, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सिमिलर वेवलेंथ वाली लाइट को
रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर देता है। तो अगर मान ले कोई ब्लू कलर ऑब्जेक्ट, तो ब्लू कलर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, विल रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू लाइट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, विल रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू लाइट, और बाकी सारी लाइट को, सारी वेवलेंथ्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। रेड कलर का ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा, विल रिफ्लेक्ट ओनली रेड लाइट, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस कारण से तुझे ऑब्जेक्ट का कलर रेड दिखेगा, ठीक है ना, विल रिफ्लेक्ट ओनली रेड लाइट, ओनली रेड लाइट, और बाकी सारे को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस कारण से उसका कलर तेरे को कैसा दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक तो होती है तेरे आइडियल वाइट बॉडी, दो बॉडी आती है, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक तो तेरे होती है जिसको अपन बोलते हैं आइडियल वाइट बॉडी, और दूसरी होती है जिसको अपन बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। दोनों इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं प्रैक्टिकली, है ना। एक बड़ी कमाल की चीज़ है यार साइंस में, कि भाई जिसके नाम के आगे आइडियल लग गया, इसका मतलब प्रैक्टिकली वो होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है वो, है ना, प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। अगर किसी चीज़ के आगे आइडियल लग गया, इसका मतलब वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइडियल वाइट बॉडी कौन सी बॉडी होती है, वो सारी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है ना। द बॉडी विच वी रिफ्लेक्ट ऑल द वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट, द बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑल the wavelengths incident on it, ठीक है। वो बॉडी जो अपने ऊपर आने वाली सारी वेवलेंथ्स को क्या कर दे, इंसिडेंट कर दे, सॉरी सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दे, है ना, उसे अपन क्या कहेंगे, आइडियल वाइट बॉडी। ऐसी कोई बॉडी दुनिया में बनी नहीं, ठीक है ना। तीसरी चीज, आइडियल ब्लैक बॉडी, वो बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट, एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ्स फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गई आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट था, आइडियल वाइट बॉडी का भी कॉन्सेप्ट ही है भाई, है ना, ओके। वैसे अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ें हैं अपने पास, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, ठीक है ना। जैसे वाइट कलर कर देते हो तुम, मिरर है वो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन पूरी 100% नहीं करता है। वैसे ही ब्लैक कलर है तुम्हारा जो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर पूरी कर पाए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो अपने को दिखेगा ही नहीं, है ना। पूरी एब्जॉर्ब कर पाए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा ना तो वो अपने को दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब लाइट एक एनर्जी है, यूनिवर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे अपन ब्लैक होल बोल देते हैं। इसीलिए आया क्लियर समझ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।